तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बिना किसी आईसी के और बिना किसी आर्डिनो को जो है प्रोग्रामिंग किए हुए 3 चैनल बनाने वाले हैं रिमोट कंट्रोल। चलो बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक 3 टर्मिनल जो होता है वो हमने ले लिया और एक 2 टर्मिनल हमने ले लिया। तो ये हमने किसी मतलब पीसीबी में से निकाला है, ठीक है। और इसको थोड़ा वायर को जो है बड़ा किया हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और आप लोग कोई सा भी कवर हो आप लोग जिस तरीके से चाहो बैठा सकते हो या वायर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने इसको जो है सोल्डिंग कर और निकाल दिया है। और यहाँ पर दूसरा वाला जो मतलब 2 टर्मिनल वाला है उसको भी हमने सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ और इसमें एक टर्मिनल हमने जो स्विच वगैरह आता है ना उसके साइड वाला पीछे का हिस्सा है जो वायर वगैरह फंसाने के लिए आता है, तो बीच में हमने उसको जो है नोट बोल्ट के द्वारा कस दिया। और इसके बाद 3 हमने रिले लिया है उसको टेप मार दिया है, कुछ इस तरीके से हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक पीला वायर जो है कवर के ऊपर से डाल दिया ताकि ये छोट हो रहा था, ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बराबर होना चाहिए। उसके बाद एक कवर हमने बना लिया है इसके ऊपर से मतलब हम लोग को कसने के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने 3 रिले को जो है इस तरीके से सोल्डिंग कर दिया है, मतलब अभी सोल्डिंग नहीं किया हूँ, टेप ही मारा हूँ। उसके बाद हम लोग एक एलईडी सीरीज आता है तो उसको मॉड्यूल आता है जो रिमोट कंट्रोल होता है उसी को हम लोग यूज करेंगे इसमें, वो भी 3 चैनल से बनाएंगे। तो यहाँ पर उसी में भी चार्जर आपको 2 एम्पियर तक कि 1.5 एम्पियर तक 1 एम्पियर में शायद आता है, ठीक है। ये चार्जर 12 वोल्ट का है, 1 एम्पियर में आता है। इसका सभी मतलब जो एलईडी वाला सीरीज होता है उसको हम निकाल देंगे और एक जो ब्लैक वाला था तो उसमें हम लोग रेड वाला वायर जो जोड़ देंगे। और ये बाकी हमारा जो है वो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन वाला वायर जो है हम लोग 3 कॉमन वाला वायर है और बाकी एक जो है वो हमारा मेन है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्डिंग कर देंगे तीनों में, एक एक 4 है तो एक में हमने रेड कनेक्शन कर दिया है और 3 हमारा जो है वो तीनों हमारा रिले एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये आपको लोकल मार्केट में 50-60 रुपये मिल जाता है केवल रिबॉन्ड वाला। आप चाहो तो कोई और भी पावर सप्लाई यूज कर सकते होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो तो हमने सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद रिले में हम लोग सोल्डिंग करेंगे तो इसके लिए हमने रिले में जो ये वाला टर्मिनल दिखाई दे रहा है ये तीनों में मतलब एक एक हम लोग सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग कर दे रहे हैं इसमें तो देख सकते हो। और ये रेड वाला जो है इसमें मतलब दूसरे साइड हम लोग रिले के जो है सोल्डिंग कर देंगे और उसी से सारे कनेक्शन हम लोग दूसरे वाले रिले में भी देने वाले हैं लोग। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ एक और वायर को ताकि उसमें हम लोग जो रेड वाला वायर है उसमें हम लोग कॉमन दे सकें, मतलब उसमें लाइन सप्लाई दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक मतलब वायर को जो है सोल्डिंग कर और इसको अंदर साइड हमने ले लिया। आप चाहो तो चाहते हो तो आप लोग वायर भी ले सकते हो, मैंने इसमें खुला वायर ले लिया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी अच्छी लगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ी सा भी लाइक कर दो यार, लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर हम लोग इसको जो है सोल्डिंग कर देंगे तो मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं वीडियो अकेले ही शूटिंग करता हूँ तो कोई भाई गलती हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। और यहाँ पर जो अडैप्टर है जो इसमें आता है 1 एम्पियर का तो इसको हम लोग सोल्डिंग कर देंगे मेन लाइन में 220 वोल्ट से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 220 वोल्ट वाला टर्मिनल है जो मैं अभी सोल्डिंग कर रहा हूँ, तो इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लेना होगा। तो मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद ये तीनों टर्मिनल में हमने जो वायर जोड़े हुए थे वो थोड़ा थोड़ा मतलब काट दिया हूँ और इसमें वायर हम लोग जोड़ देंगे। तो मेरे पास ये 3 वायर हमने ले लिया है, आप लोगों के पास कोई सा भी कलर हो तो चलेगा। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक कलर एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो सप्लाई आता है 12 वोल्ट उसको काट कर दूसरा वायर मतलब छोटा वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर जो प्लस वाला है उसको प्लस में, जो माइनस वाला है उसको माइनस। ये माइनस वाला पॉइंट जो है मैं सोल्डिंग कर रहा हूँ, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला जो है यहाँ पर देख सकते हो प्लस वाला पॉइंट है और इसका प्लस वाला पॉइंट को प्लस में जोड़ देंगे। देख सकते हो मैंने जो रिले में वायर रेड वाला जोड़ा हुआ है वो प्लस ही है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है ग्राउंड है तो इसको हम लोग ग्राउंड में जोड़ देंगे एक और एक
देख सकते हो हमने जोड़ दिया है इसको। और ये जो टर्मिनल से हमने वायर 3 निकाला हुआ था, इसके रिले के पिछले पॉइंट में हम लोग सोल्डिंग कर देंगे। और सभी रिले में ये सही होता है, ठीक है। इसके पिछले वाले पॉइंट में हम लोग सोल्डिंग कर देंगे, देख सकते हो हमने सोल्डिंग कर दिया है तीनों के पॉइंट में जो हमने यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर तीर देख सकते हो, एक एक वायर जो मतलब बच गया है उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को तीर के सहारे मैंने दिखलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसका वायर जो है इस बीच टर्मिनल में हमने डाल दिया है। और बाकी जो है आप लोग को जो दिखलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो इसको वायर को जो है छील कर मैं इसको अंदर डाल दे रहा हूँ। आप लोग चाहते तो सोल्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसी तरह ओपन ही रखने देता हूँ। आप लोग कोई सा भी कवर हो आप लोग उसमें जो है आसानी से मतलब सेट कर सकते हो। और एक होल कर दे रहा हूँ क्योंकि आईआर रिसीवर को हम लोग को बाहर निकलना होगा, तभी हमारा रिबोन जो है काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो रिले को भी बैठा दिया हूँ। और इसके सारे हमने जो है इस आईआर रिसीवर को जो है बाहर निकाल दिया है। और इसके ऊपर जो है हमने कवर एक लगा दिया है, और इसके ऊपर जो है टेप हम लोग चढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सारे कनेक्शन और टेस्टिंग जो है करके मैं बताऊंगा। तो दोस्तों 3 होल्डर को ले लिया है, और इसमें जो है तीनों को एक कॉमन बना लेंगे। और उसके बाद एक लाइन का जो हम लोग 220 वोल्ट होगा, तो उसका दो वायर को जो है हम लोग एक वायर को जो है इसमें सोल्डिंग मतलब बांध देना होगा। देख सकते हो एक वायर हमने कॉमन कर लिया है, मतलब 3 होल्डर का एक 220 वोल्ट का मिलाकर 4 वायर को हमने कॉमन कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक वायर को हमने इसको जो है मतलब कस दिया है, और एक वायर 220 वोल्ट वाला बच रहा है, तो उसमें एक को हम लोग कोई सा भी वायर ले लेंगे, ठीक है। और इसके सहारे जो है इसमें हम लोग ऐड देंगे अच्छे तरीके से, और इसको भी हम लोग 220 वोल्ट वाले टर्मिनल में इस तरीके से कस देंगे। यहाँ पर देख सकते हो हम कस दे रहे हैं इसके ऊपर। उसके बाद वो जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हम लोग जो रेड वाले वायर जोड़े थे उसको हमने कस दिया है। और एक एक मतलब होल्डर का जो है हम लोग ये दो बच रहा है, तो दोनों में हम लोग कस देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इसको कस लेने के बाद इसको हमने 220 वोल्ट में जो वाइट वाला वायर था उसको हमने दे दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है। और आप लोगों को बता दूँ कि ऑफ ऑन और RGB लिखा हुआ है, और WH मतलब बॉटम से आप लोग काम चलाना होगा, वरना किसी और से टिपोगे तो ये मतलब क्या होगा कि रिले को कम पावर मिलेगा और ये मतलब एक्टिव नहीं हो पाएगा बढ़िया तरीके से, ख़राब भी होने के चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।